हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो गाइस, आप लोगों के लिए एक और नया ब्लॉग लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ अपने डांड़ वाले खेत के पास, तो आप लोग को अपना खेत दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोग साइड का कुछ नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अभी गेहूं का सीजन है, पहली सिंचाई हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ से हरा भरा सब दिखता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग आसानी से मिलता रहेगा। तो चलते हैं हम अपने खेत की तरफ, आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से खाली एरिया कितना है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ से दिखाई देता। मैं अभी ये चक्रोट, अभी साल 1.5 साल हुआ है चक्रोट पटा हुआ है, तो मेरे खेत के साइड से गया हुआ है, तो मैं अभी चलता हूँ अपने खेत के पास, तो आप लोग को दिखाऊंगा कितना क्या क्या बोया हुआ है, क्या क्या नहीं। तो जस्ट अभी मैं अपने खेत के पास आ गया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा खेत है। तो फाइनली मैं अपने खेत के पास आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये खेत, वो जो सरसों बोया हुआ है वो साइड में, वहाँ वहाँ से और इस साइड में वो सरसों दिख रहा होगा, तो वहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कोने तक मेरा खेत है, जो कि इसमें अभी आप लोग देख सकते हैं सरसों और गेहूं बोया हुआ है। गेहूं बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं गेहूं बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम अपने एक खेत के पास और चल रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसा है। तो जस्ट चक्रोड के साइड में मेरा दूसरा वाला खेत है, जो कि 1.5-2 बीस के करीब में है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें भी सरसों और गेहूं लगाया हुआ है, वहाँ से लेकर यहाँ तक चक्रोड के किनारे तक ये खेत है। और ये सब मेरे भाइयों और सबका खेत यहाँ पे है। तो मैं अभी अपने खेत के बीचों बीच आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों को गांव नज़र आ रहा होगा, ये बढ़ईपुर है, बढ़ईपुर है। और इधर जस्ट जस्ट मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अमिया बाभनपुर का गांव है, इस पेड़ के पीछे पूरा गांव है अमिया बाभनपुर नाम से। और जस्ट इसके दक्षिण साइड में आप लोग देख सकते हैं, बहुत यहां से कम थोड़ा दिखाई देगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहां आगे जस्ट सुल्तानपुर है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे खेत की साइड से 3 हाई लाइट वाले खंभे गए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं, एक और एक ये है और दूसरा वो वाला खंभा है, और जस्ट मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये तीसरा वाला खंभा यहाँ से गया हुआ है, बहुत ही हाई पावर वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी शाम होने वाला है, तो मैं अपने खेत की तरफ घूम रहा हूँ, और तो अभी इसमें देख सकते हैं, इसमें सरसों 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 से बहुत अच्छा हुआ है, इसमें बथुआ देख नहीं रहा है, एक 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 बथुआ है ऐसे ही, आप लोग देख सकते हैं एक एक बथुआ है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं
साइड का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। और वहाँ जस्ट उस नाले के पीछे एक मेरा खेत और है, उसको मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं साइड का नज़ारा, आप लोग बहुत ही मस्त और बेहतरीन दिखाई देता है।